इन्होंने तो हमारी इतनी बेइज्जती की है, तो हम क्या लड़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ बात हो जाए। तो आज मैं किस मुंह से जाके वर्कर को बोलूंगी कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो ये क्या ये आसान है? जब आसान था तब तो इन लोगों ने किया नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, मगर जो उन्होंने किया और उसके ऊपर से जो उमर साहब की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, वो बहुत दिल को ख़राब करने वाली थी कि पीडीपी कौन है, इनका वजूद कहाँ है, ये क्या है। तो उससे तो उन्होंने हमें बहुत दूर धकेल दिया। करें और हम हैं कौन, हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं आप कहीं में हो ही नहीं, तो मैं किस हम किस गिनती में पीडीपी वाले। तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे, लोग क्या फैसला करते हैं। जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को इकदार से दो बार बाहर कर दिया, क्या उस पार्टी का कोई वजूद नहीं है? पीडीपी पार्टी सदर महबूब मुफ्ती ने दो टोक अल्फाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम तीनों सीटों पर लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे और अपना फैसला आवाम पर छोड़ देंगे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं बशीर नाज। हां नाजरीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूब मुफ्ती ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कई सवाल खड़ा करके कहा कि जो बातें उमर अब्दुल्ला साहब ने कल की हैं, अगर वही अंदाज उनका पहले होता तो शायद आज हालात कुछ मुख्तलिफ होते। महबूब ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पर गिल्ला करते हुए कहा कि हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक सीनियर और बड़ा सियासी लीडर मानकर उन पर एतमाद करके जज मुकर्रर किया था कि वो इंसाफ करेगा। वो जम्मू कश्मीर और मुल्क के अहम और बड़े काज के लिए लोकसभा इलेक्शन में पार्टी मुफाद को छोड़कर कोई अहम फैसला करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की बेहतर तर्जमानी हो सके, लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने पीडीपी को एतमाद में लिए बगैर फैसला लिया। वही उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी को तीसरी या चौथी पार्टी के अलकाब से नवाजा, जिससे पार्टी वर्करों और रहनुमाओं में नाराजगियां पैदा हुई। महबूबा मुफ्ती ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जिसमें पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दो बार इकदार से बाहर कर दिया, उस पार्टी को चौथी नंबर की पार्टी कहना तकबर और अहंकार के सिवा क्या हो सकता है। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा कि हम तीनों लोकसभा हलकों से अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और फैसला आवाम पर छोड़ देंगे। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। बॉम्बे में जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई तो मैंने वहाँ, जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा वहाँ पर कि फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये फैसला करेंगे। ये सोच के कि फारूक साहब बड़े हैं, ये जज जब कोई बनता है तो वो इंसाफ की बात करता है, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पार्टी मफादात से ऊपर उठ के बात करेंगे। और अगर यही फैसला करना जो उन्होंने किया, अगर उनको लगा, फारूक साहब को लगा, उमर साहब को लगा कि पीडीपी की आवाज़ से बेहतर आवाज़ हमारे पास लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द है, जो यहाँ की तकलीफ़ है, जो यहाँ की मुसीबत है, उसकी अकासी पार्लियामेंट में कर सकती, तो कुछ भी नहीं करना था। जो बात कल उमर साहब ने कही, ये बात ये आज से दो महीने पहले कह सकते थे, मुझे फ़ोन कर सकते थे फारूक साहब, उमर साहब मुझे बुलाते, मुझे कहते कि आपने फारूक साहब को जिम्मेवारी रखी है फैसला करने की, हमने ये फैसला किया है किसी वजह से कि आप शायद हमारे लोग बेहतर वहाँ नुमाइंदे बन सकते हैं, बेहतर तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाज़ पहुँचा सकते हैं, इसलिए हमने ये फैसला ऐसा कर दिया है कि आप मत लड़िए, हम सिर्फ लड़ेंगे। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब? तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ें। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अकासी नहीं कर सकते हो, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के
बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है, मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है, महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल, अब मेरे साथ कौन है, मेरा वर्कर जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है, तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में उस वक्त जिस जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज़्यादा मायूस हो गया और तकलीफ भी हुई। तो आज मैं किस मुँह से जाके वर्कर को बोलूँगी कि उमर साहब कहते हैं जी पीडीपी को कैंडिडेट नहीं उठाना चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो ये तो ये क्या ये आसान है? जब आसान था तब तो इन लोगों ने किया नहीं, जब इनको ऐसा करना चाहिए था तब तो किया नहीं। और जब आप घर में किसी को बड़ा बनाते हो, मालिक बनाते हो, जज बनाते हो, तो जज का फर्ज बनता है वो ज़ाती जो मफादात से ऊपर उठ के फैसला करे और इंसाफ का फैसला करे। तो मुझे लगता है मुझे आज आपके साथ ये बात इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हर तरह से मेरे वर्कर फ़ोन कर रहे हैं, बहुत मतलब वो मायूस हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तो कह दिया, मैंने तो अपना फ़र्ज निभाया, मगर जो उन्होंने किया और उसके ऊपर से जो उमर साहब की बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, वो बहुत दिल को ख़राब करने वाली थी कि पीडीपी कौन है, इनका वजूद कहाँ है, ये क्या है। तो उससे तो उन्होंने हमें बहुत दूर धकेल दिया, हमें 3rd, 4th, 5th नंबर पर भी नहीं माना, और ये कहा कि हम असेंबली इलेक्शन में सोचेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका कंडक्ट कैसा होगा। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती थी, खासकर मेरे वर्कर के साथ जो बहुत मुसीबत में मेरे साथ इस वक्त चल रहा है, जबकि सारी एजेंसीज का दबाव, हर मुश्किल उसको सहनी पड़ रही है और मेरे पीछे वो चट्टान की तरह खड़ा है। तो उसके लिए ये बेइज्जती मेरी नहीं थी बल्कि मेरे वर्कर की बेइज्जती की उस वक्त उमर साहब ने वो सब कुछ कह के। तो इसलिए ये आप मुझे बताइए कौन सा रास्ता मेरे पास है, मैं किस तरह अपने वर्कर को कहूँ आज आप जी पीछे रहो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि भाई हम उनको सपोर्ट करें, और हम हैं कौन, हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं आप कहीं हो ही नहीं, तो मैं किस हम किस गिनती में पीडीपी वाले। तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे, लोग क्या फैसला करते हैं, लोग किस आवाज़ को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में।